हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोट्यूड चैनल। 2 साल पहले मैंने एक टॉपिक बनाया था विच वॉज डिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव, और उस वीडियो पे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। ये वीडियो मैं वापस एक बार बना रही हूँ और इसमें मैंने और एक टॉपिक को ऐड किया है और वो है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। और ये सारे जो चारों टाइप है बिजनेस एनालिटिक्स के, मैं आपको एक यूज केस के थ्रू समझाऊंगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है। सो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स मींस व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। ओके, बेसिकली आप जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई कंपनी है और अगर आप जानना चाहते हो कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, उसके क्या स्टेटिस्टिक्स है, तो हम जो भी स्टेटिस्टिक्स है वो अच्छी तरह से ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, चार्ट्स ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो हम किस किसका इस्तेमाल करते हैं, हम पावर बी आई, टैबलू, ये सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई और भी सॉफ्टवेयर्स है जो हम यूज करके अच्छे से चार्ट्स एंड डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं इंफॉर्मेशन को, डिस्क्राइब करते हैं इंफॉर्मेशन को। सो इसीलिए उसे कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, जहां पे हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं अच्छी तरीके से विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स एंड डायग्राम। ओके, अब आपको वो चार्ट्स एंड डायग्राम देखने के बाद उसका ट्रेंड पता चलता है कि आपका प्रॉफिट ऊपर जा रहा है या फिर आपका लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। ओके, सो वो स्टडी करने के लिए आपको हेल्प मिलती है। अब जो भी आपने मतलब चार्ट्स एंड डायग्राम्स में शो किया, अब प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, राइट? लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वी नीड टू नो द रीजन, राइट? सो डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स क्या करता है, आपको व्हाई डिड दिस हैपन, आपको रीजन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज डायग्नोस्टिक एनालिसिस। ओके, थर्ड थिंग इज प्रिडिक्टिव। ओके, अब जनवरी में सेल्स था 1 लाख और जून में सेल्स हमें पता नहीं है कितना होगा, हमें प्रेडिक्ट करना है, तो वो प्रेडिक्शन जो भी रहता है उसे कहा जाता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर, शायद आपका सेल 5 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए। सो अगर हमारे मॉडल बता रहा है कि सेल्स जून में 10 लाख होगा, सो दैट इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। एंड द लास्ट इज प्रिस्क्रिप्टिव वन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके मॉडल ने कहा कि सेल्स 10 लाख होगा, तो क्या हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन वी शुड टेक टू रीच दैट गोल, 10 लाख कमाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जैसे एम्प्लॉयज बढ़ाने चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए, बेसिकली जो रीजंस जो होते हैं, डिसीजन मेकिंग जो होता है, वो हमें प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल हेल्प करेगा। ओके, सो डिस्क्रिप्टिव मींस डिस्क्राइबिंग द इंफॉर्मेशन, पावर बी आई, टैबलू। डायग्नोस्टिक मींस ये इवेंट क्यों हुआ, क्यों प्रॉफिट हुआ। प्रेडिक्टिव मींस फ्यूचर क्या होगा। प्रिस्क्रिप्टिव मींस फ्यूचर अचीव करने के लिए अभी हमें क्या करना चाहिए। ओके, अब है डायग्नोस्टिक एनालिसिस। मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि डिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव क्या होता है, उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो के नीचे दे दूंगी आपको, और वो हम वापस जानेंगे तीनों चीजें एक यूज केस में इसके बाद। अब डायग्नोस्टिक एनालिसिस में जनरली हम इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं, अल्गोरिदम के थ्रू कर सकते हैं, या फिर हम कोरिलेशन स्टडी कर सकते हैं, या फिर गॉजल रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू ये चीजें जानते हैं। एक यूज केस है, बीच में प्लास्टिक बैग्स बैन हो गई थी, तो उस वजह से क्या हुआ था, अचानक से कॉटन बैग, रियूजेबल बैग्स का ट्रेंड बढ़ गया था। तो एक कंपनी है जो ये रियूजेबल बैग्स प्रोड्यूस करती है, और द यूज केसेस राइज इन प्रोडक्शन ऑफ रियूजेबल बैग्स, रियूजेबल बैग्स का प्रोडक्शन हाई हो चुका है। ओके, तो सबसे पहले हमें ये कैसे पता चला, हमने क्या किया, सारे मार्केट्स का डेटा उठाया, उसको चार्ट्स में डाला। ओके, सो चार्ट्स में डालने के बाद हमें पता चला कि यस, कि पहले के कंपेरिजन में, पिछले साल के कंपेरिजन में, इस साल का रियूजेबल बैग्स का सेल बढ़ चुका है। तो डिस्क्रिप्टिव ने हमें स्टेटमेंट, फैक्ट्स बताए, राइट? ऑल स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स वी कलेक्टेड, और हमने चार्ट बनाया और हमने उसका ये डैशबोर्ड बनाया है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप, कि हमें डिस्क्रिप्टिव ने फैक्ट बताए कि यस, सेल बढ़ चुका है विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। सेकंड, डायग्नोस्टिक एनालिसिस क्या करता है, व्हाई डिड दिस हैपन, ये क्यों हुआ, अचानक से सेल क्यों बढ़ा। हमें कोर रीजन जानना जरूरी होता है, कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी चीज हो, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज अगर हो रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है, वो अगर हम जानते हैं देन वी कैन डू दैट थिंग बेटर इन फ्यूचर। ओके, तो व्हाई, सेल क्यों बढ़ा, फाइंड द रिलेशनशिप।
सबसे पहला रीजन है कि कुछ लॉ इम्पोज हुआ होगा, उस वजह से बड़ा होगा, क्या होगा, क्या इम्पैक्ट होगा उस लॉ का। और भी कोई रीजन हो सकते हैं, जैसे नेचर, एनवायरमेंट और ह्यूमन का रिलेशनशिप, या फिर तो हमें क्या करना है, कोरिलेशन एनालिसिस फाइंड आउट करना है। कोरिलेशन एनालिसिस मतलब क्या, इंक्रीज इन रियूजेबल बैग्स लीड्स टू डिक्रीज इन पोल्यूशन, राइट, ये कोरिलेशन हो गया। मतलब जैसे ही कपड़े के बैग लोग इस्तेमाल करने लगे, पोल्यूशन कम होने लगा। सो ये भी एक रीजन हो सकता है बैग्स बढ़ने का, मतलब बैग्स का सेल बढ़ने का। सो हमें क्या रीजन है वो फाइंड आउट करना है, और रीजन फाइंडिंग मतलब डायग्नोस्टिक एनालिसिस। अब कैसे रीजन फाइंड आउट करें, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, रिग्रेशन एनालिसिस, क्लस्टरिंग एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, ये सारे एल्गोरिदम्स हैं, इसको यूज करके आप स्टडी कर सकते हो। ओके, अब प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। अब ठीक है, बैग का सेल आज बढ़ चुका है, फ्यूचर में क्या होगा हमें ये जानना है, तो ये होता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मतलब प्रिडिक्ट फ्यूचर ऑफ रियूजेबल बैग्स मार्केट बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। ओके, सो ML एल्गोरिदम यूज करेंगे हम सारे, जितने भी ML एल्गोरिदम्स जो फ्यूचर बताएगा, जून में इतना है तो जून में, सॉरी जनवरी में इतना है तो जून में कितना होगा, दैट इज प्रिडिक्टिव एनालिसिस, लाइक फॉरकास्टिंग फ्यूचर। अब फॉरकास्ट करके छोड़ दे क्या, नहीं। अब फॉरकास्ट करने के बाद हमें क्या करना चाहिए ताकि हम वो गोल को अचीव कर पाए, तो वो डिसीजंस हमें जो बताएगा वो बताएगा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, कि हाउ टू टेक द डिसीजन। हमें हमें रिकमेंड करेगा डिसीजंस और हमें बताएगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए टू अचीव दैट गोल। ओके, अब अलग अलग एग्जाम्पल्स हो गए पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स के, न्यूरल नेटवर्क हो गया, रिकमेंडेशन इंजिन हो गया, ML एल्गोरिदम्स हो गए। और एक अच्छा एग्जाम्पल है ना इसका, इसका अभी जो लेटेस्ट टेस्ला कार आ रही है, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है। ओके, सो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम बता सकते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का, जहाँ पे आप प्रिडिक्ट भी करते हो, आपका आपकी जो कार है वो प्रिडिक्ट करती है कि यस आगे जाके लेफ्ट टर्न लेना है, उसने प्रिडिक्ट किया। प्रिडिक्ट करने के बाद कोर्स ऑफ एक्शन भी लिया उस कार ने, कि उसके टायर मुड़ गए लेफ्ट साइड की तरफ, राइट। सो दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। सो जो भी एनालिटिक्स है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थ्योरीज, जैसे डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, प्रिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक्स। ओके, सो ये अलग अलग इसके हिस्से हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स आप उसके यूज केस के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करें। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस एनालिटिक्स, टाइप्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज कमेंट डाउन एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।